सुनो जिंदगी, इसे याद आया, आपको कभी किसी ने जिंदगी कह के बुलाया है? हाँ, झूठ मत बोलिए, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको शोना बेबी सुनो तो कह के बुलाया होगा, लेकिन जिंदगी तो नहीं बुलाया। लेकिन एक इंसान है जिसने आपको जिंदगी कह के बुलाया हो या नहीं, आप उसकी जिंदगी तब भी थे जब इस दुनिया में आए और अब भी है, और वो है आपकी माँ, मम्मी, मम्मा, या मेरी तरह अम्मी। दुनिया में सिर्फ माँ का प्यार बिना मांगे मिल जाता है। मुनव्वर आना की वो लाइंस कितनी खूबसूरत है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। मगर आज एक माँ है जो खफा है, उसे इस दुनिया से शिकायतें हैं, और जायज़ शिकायतें हैं। उतनी ही शिद्दत, उतने ही प्यार से, उतनी ही दुआ के साथ अपने 7 साल के प्रद्युमन को उन्होंने भी एक नामी ग्रामीण स्कूल भेजा, मगर वो वापस नहीं आया। प्रद्युमन की खबर के बाद ऐसा लगा, हम कितने ही बड़े स्कूल में कितनी ही महंगी फीस देकर अपने बच्चों को भेजें, कोई फायदा नहीं। अगर एक बच्चा स्कूल में महफूज नहीं, तो कैसे सिस्टम पे हम यकीन करें? क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, ये सब सोचने के लिए अब वक्त ही वक्त बचा है। लेकिन ये कैसे भूल जाएं कि बच्चा नहीं बचा, हम कितने फिक्रमंद हो गए हैं। मगर इस फिक्र में हम एक बहुत बड़ी गलती करते चले जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। ये बात सच है कि आज के टाइम में हर माँ बाप को अपने बच्चे में एक प्रद्युमन नजर आता है। वो हिम्मत जुटा रहे हैं एक बार फिर से कैसे अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, मगर सच है कि हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई के आगे कोई डर नहीं आ सकता। इतने बड़े हादसे के बाद बच्चे खुद डर गए होंगे, और आपको इतना फिक्रमंद देख के तो वो और भी ज्यादा डरे हुए हैं, ये उनका और भी बड़ा नुकसान है। एक बात और, हमने रेडियो पे बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, और बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं हर रोज कि ड्राइवर से, कंडक्टर भैया से, माली से बात मत करना, दूर रहना। ये किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं हम? हमारे स्कूल हमें ये तो नहीं सिखाते। सबसे पहला लेसन आपने और मैंने भी इंसानियत का पढ़ा, हर इंसान बराबर होता है, हम किसी इंसान को नीचा नहीं देखेंगे। मगर आप उस डर में उन्हें एक बहुत बुरा लेसन दे रहे हैं। आपको पता है ये हमारी सबसे बड़ी खराबी है, एक इंसान की गलती से हम पूरे समुदाय को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज टेल योर किड्स टू बी अलर्ट, उन्हें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दीजिए, गुड टच बैड टच के बारे में बताइए, उनके साथ बातें कीजिए, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो आपके साथ सारी बातें शेयर करें। आपका उनका कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लीज उन्हें ये मत बताइए कि ये एक बुरी दुनिया है। याद रखिए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मैक्सिमम केसेस में कोई अपना इन्वॉल्व होता है, कोई कंडक्टर, माली या ड्राइवर नहीं। बच्चों को प्लीज मत बताइए कि एक बुरी दुनिया है, उन्हीं की वजह से तो ये एक अच्छी दुनिया है, उन्हीं की तरह अच्छी दुनिया बननी है ये, और वही बनाएंगे। As parents, I agree, we must make schools accountable for everything. We have all the right. हम सारी चीजें पूछ सकते हैं, जब वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, तो हमें नहीं चैलेंज करना चाहिए। But please don't scare the hell out of your kids. याद रखें, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप।